आशा माळी आपण पाहता डिस्को न्यूज. द डिस्को न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. अल्पसंख्याक विभाग जिल्हा अध्यक्ष सलीम शेख व अल्पसंख्याक विभाग जिल्हा उपाध्यक्ष शिफा मशहर यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त महिलांसाठी अनेक शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांना श्रद्धांजली वाहून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. तसेच अनेक बचत गटही उघडण्यात आले. आलेल्या सर्व महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले. इंग्लिश मीडियमची ट्युशन क्लासेस, टेलरिंग क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, ड्रायव्हिंग क्लासेस अशा अनेक शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. मोठ्या संख्येने पहिल्याच दिवशी महिलांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. आलेल्या महिलांनी शिफा मशहर व सलीम शेख यांचे आभार व्यक्त केले. यावेळी अल्पसंख्याक विभाग जिल्हा अध्यक्ष सलीम शेख, अल्पसंख्याक विभाग जिल्हा उपाध्यक्ष शिफा मशहर, फिरोज सय्यद, मंदा कवाडे, बिस्मिल्ला काची, फिजा सय्यद, गुलाम नबी शेख, ताहिरा कुरेशी, रेशमा खान, स्वलेखा खान, यास्मिन शेख, संगीता घोंगडे, अबिदा शेख, मलेका शेख, फातिमा घडियाल आदी कार्यकर्ते पदाधिकारी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, डिस्कवरी टीव्ही न्यूज. मैं शिफा मेशर, मैं जिला उपाध्यक्ष कल्याण डोंबिवली संख्या विभाग से. आज जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, 3 जनवरी 2022 में जो हम हैं, लेकिन हमारे जो स्वर्गीय सावित्रीबाई फुले जिन्होंने हमारे जो स्त्रियों को आज जो एजुकेशन का अधिकार दिलाया है और जो एजुकेशन में जो आज हिम्मत पैदा हुई है, जो एक सिंबल है और जो पूरी उसका क्रेडिट है ये चीज का, जो आज औरत इतनी मजबूत है हर फील्ड में और एजुकेशन में तो सब में पहले आगे है, तो उसकी मेन ही हमारी जो है हमारी आइडेंटिटी एक आयरन लेडी की तरह सावित्रीबाई फुले. जब वो 9 साल की थी, उनका जन्म 3 जनवरी 1831 नांदेड़ सातारा में हुआ. और जब वो 9 साल की थी तो उनकी तब शादी हो गई थी 9 साल की उम्र में. लेकिन जब शादी होने के बाद भी उनको मतलब एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई शिक्षण लेने का बहुत शौक था, लेकिन उनके माँ बाप के समय में जब वो थे तो उनको नई शिक्षा मिली. लेकिन जब उनकी शादी होने के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया और यहाँ तक के खुद ही नहीं प्राप्त किया, शिक्षा दूसरों तक भी पहुँचाए, खास करके स्त्रियों में. और ये होने के बाद भी क्या हो गया था, उन्होंने अपने जो हस्बैंड है उनके साथ मिलके, ज्योतिबा फुले के साथ मिलके एक लेडीज मतलब महिलाओं के लिए स्कूल स्टार्ट किया था. और वो स्कूल स्टार्ट करने के बाद भी उसमें अच्छे से महिलाओं को शिक्षा दी जा रही थी. लेकिन फिर क्या हुआ, एक वक्त आ गया 1879 में प्लेग का मौसम आया था, तो उन्होंने देखा कि ये प्लेग के मौसम में लोग एक बहुत बड़ी महामारी हो गई है, लोग मर रहे हैं, तो इसमें भी उन्होंने अपना भाग बहुत अच्छी तरीके से निभाया है. क्योंकि उन्होंने उस वक्त एक प्लेग का एक हॉस्पिटल खोल के वहां पे प्लेग मरीजों का इलाज कराया और उसमें उनका देहांत हुआ. जिस तरीके से एक वो आशा है हमारे लिए और हमें सब महिलाओं को उस हिसाब से ही हमें महिलाओं के बीच में जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है वो फैलाना है. और हर कोई महिला सुशिक्षित होना चाहिए और हर फील्ड में महिलाओं को आगे होना चाहिए, जो सावित्रीबाई फुले का मैसेज है. और हम सब एक उनके मैसेज पे हम आगे ये मैसेज को बढ़ाएं. जय हिंद, जय भारत. तर या होत्या डिस्कवरी न्यूज. तुम्हाला आमच्याशी संपर्क असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता, 9388420420. तर वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस. तोपर्यंत धन्यवाद.